वीरेश्वर दयाल और उनकी पत्नी सरजू आज़ादी की लड़ाई के सक्रिय सेनानी थे। ये दोनों लगभग 20 बार जेल गए। सरजू ने जेल में ही अपने बेटे क्रांति को जन्म दिया। उनके पोते अजय पटोरिया को इस बात का दुख है कि उन्हें सरकार की ओर से ना तो सुविधा मिलती है और ना ही सम्मान, क्योंकि उनके दादा दादी कश्मीर के निवासी थे। वहीं अशोक के पिता जवाहरलाल भी छतरपुर के स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेकिन उनके परिवार को भी ये सम्मान नहीं मिल रहा। लड़ाई हुई थी स्वतंत्रता सेनानी को लेकर के, जो इतना संघर्ष किया है, क्या उस समय को और इस समय को देख करके आपको कुछ फर्क समझ में आ रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए उस समय पर तो हम नहीं थे, हम तो जो कुछ है हम उसको पढ़ करके या सुन करके आपको बात बता सकते हैं। तो डेवलपमेंट तो देखिए है। उन्होंने कोई कविताएं वगैरह लिखी? नहीं नहीं, हमारी दादी मतलब अनपढ़ थी, बिल्कुल अनपढ़ थी। लेकिन अपना नाम तो वो केवल अपना नाम भर लिखना जानती थी, बाकी पूरा क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष किया। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ किया, कोई नहीं। जैसे एनसीबी मिलती है सबके लिए, हम लोगों को तो हमें नहीं नज़र आता कि कोई लाभ शासन प्रशासन के द्वारा या इस तरीके का कोई लाभ हम लोगों को दिया गया है। शुरू में जरूर जब दादी माँ जीवित थी तो उस टाइम पर फ्रीडम फाइटर्स के परिवारों को समय समय पर बुला लिया जाता था, लेकिन अब तो कोई बुलाता भी नहीं है कि आप फ्रीडम फाइटर्स का यहाँ पर कोई उनकी समस्याएं क्या है या इस चीज़ की जानकारी के लिए तो बुलाता भी नहीं। जब आप ये पत्थर के लिए कहने जाते थे या कहते थे, बात उठाते थे, तो वहाँ से क्या जवाब मिलता था? जवाब मिलता था कि हम उसको जो है लगवा देंगे, लेकिन अभी तक उसके बाद लगवाया नहीं गया है पत्थर। उसका जवाब यही मिलता था कि हम पत्थर लगवा देंगे, लेकिन अभी तक हमारी दादी माँ के नाम का पत्थर नहीं लगाया गया। और उनको प्यार से सभी लोग भाई कह के ही संबोधित करते हैं। और हमारे दादा पिताजी का जन्म भी वहीं पर हुआ जेल में, लेकिन उनको उसका कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि ये जब भी हम लोग यहाँ से कई जो उस समय के फ्रीडम फाइटर्स जो जीवित थे उनके द्वारा लिखित तौर पर भी हम कई लोगों के द्वारा लिखवा करके शासन प्रशासन को भेज चुके हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक उनका कोई भी ये नहीं आया कि आपको फ्रीडम फाइटर मान लिया गया। आपके पिताजी का इतना लड़ाई में सहयोग था, इतना योगदान था, उसके प्रति आपको प्रशासन की तरफ से क्या योगदान हो रहा है या कभी मिला है या अब हो रहा है? नहीं, हम लोगों को कभी प्रशासन नहीं पूछ रहा है और ना कहीं बुलाए जा रहे हैं हम लोग। हम लोगों का इतना ही है कि हम तो ये चाहते हैं प्रशासन हम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार की तरह एक इज्जत दे और समाज में प्रतिष्ठा मिली रहे।